रात की गहराइयों में एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशहाली में रहते थे, वहां एक बूंद थी, जादुई बूंद। इस जादुई बूंद की कहानी सभी बच्चों के बीच में फैल गई थी और हर बच्चा इसे देखने के लिए बहुत बेताब था। एक रोज गांव के छोटे बच्चे रिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें बताया कि रात को सभी को एक साथ मिलकर वह बूंद देखने का मौका मिलेगा। गांव के छोटे बच्चे रिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें बताया कि रात को सभी को एक साथ मिलकर वह बूंद देखने का मौका मिलेगा। गांव वाले सभी बच्चे उत्साहित हो उठे और रात को सभी ने मिलकर जादुई बूंद की ओर बढ़ते हुए कहा, आओ हमें देखने दो इस जादुई बूंद को। जैसे ही सभी बच्चे नजदीक पहुंचे, एक रोशनी की चमक से वे देखते हैं कि जादुई बूंद एक पुराने पेड़ के पास है। पेड़ की ऊंचाई पर जादुई बूंद एक पत्ते पर चमक रही है। रिया ने मुगलदीन से पूछा, ये जादुई बूंद हमें क्या दिखा सकती है? मुगलदीन ने हंसते हुए कहा, इस बूंद की शक्ति से जो कुछ भी चाहोगे वह हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखो, एक ही बार में एक ही चीज मांगनी होगी। इसके बाद सभी बच्चे एक दूसरे के साथ लापरवाही करने लगे और हर किसी ने सोचा कि वह जादुई बूंद से क्या मांगेगा। रिया ने सोचा, मैं एक बड़ी सी जगह घूमना चाहती हूँ। तब वह बूंद की ओर बढ़ी और कहा, जादुई बूंद, मुझे एक बड़ी सी जगह घूमने की शक्ति दो। बूंद ने चमकते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम कहाँ घूमना चाहती हो? रिया को एक महान राजमहल दिखाई दिया और उसने सभी दोस्तों को बुलाया, चलो हम सब मिलकर इस राजमहल को घूमते हैं। वे सभी एक दिव्य यात्रा पर निकले और राजमहल की सुंदरता देखकर हैरान रह गए। रात भर में वे जगह घूमते रहे और सुबह होते ही वे वापस अपने गांव की ओर लौट आए। एक अन्य बच्चा सोनू ने भी सोचा कि वह जादुई